अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं फ्लैटीज होटल लाहौर में। यहां पर पाकिस्तान बिजनेस फोरम के ज़रिए अहतमाम मिसाक़े मईशत के हवाले से अहम कौमी मुकालमे का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने और बिज़नेस लीडर्स ने शिरकत की और मिसाक़े मईशत के हवाले से बात की। और इस ये बारिश का पहला कतरा इसको कहा जा रहा है कि यह आगाज़ कर दिया गया। अब देखते हैं कि आगे क्या लाहे मलोगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान बिजनेस फोरम के अहम रहनुमा, उनसे बात करेंगे। अच्छा ज़ीशान बख्शी साहब, आपने माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त मुकालमा करवाया, आगाज़ कहा जा रहा है इसको, क्या करना जा रहे हैं कि मिसाक़े मईशत के हवाले से क्या काम कर रहे हैं? देखिए जी, हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारा मसला ये है, जब कोई नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी होती है उसको ख़त्म कर देती है। तो ये इस तसलसल को चलने देना चाहिए। उसके लिए आज का ये जो प्रोग्राम रखा है, जिसमें इजाज़ तनवीर साहब ने, वदूद अलवी साहब ने, प्रोग्रेसिव ग्रुप की जितनी लीडरशिप है उसने जो ये इनेकाद किया है, और हम लोगों ने मिल के आज जो ये आज मुकालमा सेट किया है जिसमें तमाम सियासी जमातें आई हैं और एक पेज पे हम आने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। हमारी कोशिश है कि जितनी इस प्रोग्राम को जितना ज़्यादा किया जा सके, और बेसिकली इसका मकसद ये कि एक जामिया पॉलिसी बननी चाहिए ताकि जो भी नई गवर्नमेंट आए वो इस पॉलिसी को छेड़ ना सके, चाहे इसका यस आइन एक बन जाए, कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो नई गवर्नमेंट आती है इसको छेड़ ना सके। बेसिकली आज का मकसद ये है और हम इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं आज। क्या लगता है कि ये जो सियासी पार्टियाँ सियासी जमातें भी आई, बहुत बड़ी कामयाबी आज आपने कामयाबी इनेकाद किया इस इवेंट का, तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक नज़र आ रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी तो मुत्तफिक है, सियासी जमातें क्या मुत्तफिक नज़र आ रही हैं? ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए, जिसके लिए देखें अगर बिज़नेस अलायंस हो जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा कि ये सियासी जमातों को भी इस पेज पर लाया जाए। तो हमें यही आज की कोशिश, पहली कोशिश है, इसको हमने जारी रखना है और जितनी ज़्यादा कोशिश हो जाएगी मुझे लगता है कि हम एक पेज पर ले आएँगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ ज़ीशान बख्शी साहब मौजूद थे जो कि पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के रहनुमा। उनका कहना है कि अनकरीब मिसाक़े मईशत के हवाले से खुशखबरी मिलने जा रही है।